हेलो दोस्तों, यश चौधरी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, एक बार आज फिर से मेरा ब्रेकअप हो गया है और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने निकाल दिया है और आज मैं फिर से लड़की के घर रहने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो के रिएक्शन कैसे हैं आप लोग मुझे बाद में कमेंट करके बता देना। आप लोग वीडियो को देखो, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक मिनट यार, मेरा ना ब्रेकअप हो गया। अरे कोई बात नहीं, ब्रेकअप होता रहता है, इट्स ओके, रो मत, कोई बात नहीं। आप कहाँ जा रहे हो यहाँ से? मैं कहीं जा रही थी काम से, क्या हुआ? यार मेरा ना कोई एक दर्द, जो ब्रेकअप वाला दर्द है ना, कोई सुन नहीं रहा है। आपको सुना दूँ, आप मुझे लग रहे हो थोड़े हेल्पिंग से। ओके बोलो। मेरा नाम यश है यार। हाय कृतिका। कृतिका, कृतिका नाम बहुत अच्छा है यार। अपना दर्द सुना दूँ मैं, लेट तो नहीं हो रही है आप? हाँ जल्दी जल्दी बोलो यार। मेरे नाम ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरी ना नाइट शिफ्ट थी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी और मेरी बंदे की नाइट शिफ्ट है। अब यार दिन भर काम करके मैं भी थका हुआ आया हूँ, तो जैसे मैं घर पे गया उसने मुझसे बोला बर्तन धो दो, मैंने बर्तन धो दिए यार उसके। फिर उन्होंने मुझसे बोला यार कपड़े धो दो, मैंने कपड़े भी धो दिए। अब वो फिर कह रही है यार मेरे मतलब खाना भी बना दो मेरे लिए। यार ऐसे कौन होता है, मतलब मशीन थोड़ी ना हूँ मैं। तो यार उसने मेरे को मारा, मैंने मना कर दिया, तो और उसने मुझे घर से निकाल दिया। कह रही है मेरा फ्लैट है यार, जबकि सारा किराया ना मैं देता था उसका, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध वगैरह सब मैं ही लेके आता था। सब्जी अभी ना 2 हफ्ते की सब्जियां छोड़ के आया हूँ मैं। तो मन कर रहा था मैं सब्जियां ले चलूँ ताकि किसी और के जाऊँगा तो उसके काम आ जाएगा, क्योंकि पैसे तो है नहीं मेरे पास देने के लिए किसी को। अब ना यार मेरे पास छोटी सी हेल्प कर दो, पता है मेरे पे ना रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। तो बहुत देर बाद ना मुझे तुम हेल्पिंग से लगी हो थोड़ी सी, कि मदद कर सकती हो। तुम्हारे चेहरे में ना एक उदार है, उदार है ना, किसी के प्रति ममता होती है लोगों के लिए, कि हाँ ये हेल्पफुल वाली। कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तो यार मुझे अपने घर ले चलो। अपने घर ले चलो ना यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसा मैं आपको बता सकती हूँ, आप यहाँ पे ओयो रूम में रुक सकते हो कहीं। पैसे नहीं है ना मेरे पास, तभी तो मैं सब्जी चुरा के ला रहा था वहाँ से। ओहो, और क्या रिलेटिव नहीं है यहाँ पे? नहीं यार, मैं दिल्ली से नहीं हूँ ना, मैं पोचिंग से आया हूँ। अच्छा। इसीलिए यार मैं आपकी कुछ हेल्प करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करके। कर लो यार, देखना बहुत अच्छी बात है, ले चलो। और पता भूख भी बहुत तेज लग रही है। रो मत यार, ब्रेकअप इज अ नेचुरल थिंग, ऐसा होता है यार, होता है। अब आप रो मत। नहीं भूख लग रही है, कुछ खिला भी लाओ ना। क्या खाओगे? आ जाओ खिला दे। मैकडी से खिला दो यार कुछ। ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुमने मुझे अपना इंस्टा और नंबर टाइप कर दो कुछ भी, वरना अगर तुम मुझे नहीं दोगे ना तो मुझे लगेगा ना कि तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है यार। लेकिन खाने के लिए इंस्टाग्राम की क्या जरूरत? मेरे हाल चाल नहीं पूछोगे? इतनी मदद कर रही हो, कल को मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया, जवान लौंडा हूँ, उठा लिया किसी ने, फिर जिम्मेवार कौन होगा? तुम होगा ना, कैमरे लगे हुए, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मैं यहाँ। ठीक है लो, टाइप करो। क्या तुम भी चलो, आधा करा पूरा टाइप करो, परेशान नहीं करूंगा, अच्छा लड़का हूँ। अभी ना हालत खराब हो रही है रोते रोते, और भूख लग रही है यार, कुछ खिला लो। आओ चलो। पक्का? अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको दिल्ली की लड़कियों का दिल? और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जिसने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।